एंड में रह गई ये सारी ईदी, तो देखो इतनी सारी बच्चों की ईदियां भेजी। और ये हो गया आयत का प्यारा सा ईद का सूट। तो बारिश होती रही, हमें पता ही नहीं चला, मैं अंदर बैठी थी, बारिश होके खत्म भी हो गई। और ये सामने मुझे पहले समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर ये लगा क्या हुआ है, बाद में पता चला कि ये अनार के 2-3 दरख्त जो है ना एक साथ लगा दिए। और इस पे देखो देखो अनार लगना शुरू भी हो गया, पर देखो ये सारे अनार के फूल लगे, अभी तो फिलहाल ये सारे अनार के फूल लग रहे हैं, फूल ही पूरे अनार बनते हैं ना नीचे तक, ये देखो सारे अनार ही अनार है। और ना विंडो से ना ऐसी हरियाली होनी चाहिए, यहाँ से मैं जब भी बैठती हूँ ना व्लॉग अपना एडिट करती रहती हूँ, और यहाँ से हरियाली इतनी ज्यादा प्यारी लगती है ना आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है कि जैसे आप उठो सुबह सुबह में ऐसे आगे हरा भरा देखने को बहुत अच्छा लगता है। और बारिश होती रही, अभी तो बारिश कम हो गई है। मेरा तो पूरा दिन जो है ना इस रूम में निकल जाता है, यहाँ पर कभी यहाँ बेड पर अपना व्लॉग एडिट करते, रील्स एडिट करते। नोबिता को देखो कैसे सो रहा है मजे से, जैसे देखना अभी ये बेल्कनी का खुलेगा ना फौरन उठ के आ जाएगा। मैंने ना पहली बार इस तरीके की बेडशीट बिछाई, इस वजह से भी ना लाइट कलर थोड़ा मैंने बिछाना शुरू कर दिया कि लगते बहुत प्यारे हैं लाइट कलर की बेडशीट। और अब रूम इस घर में थोड़ा ज्यादा है ना, तो इस वजह से हर कोई अपने अपने रूम में होता है, इस रूम में कम ही आते हैं। क्या बेल्कनी की हालत हो गई, इतनी तेज आंधी आई है, अंदर सच में व्लॉग एडिट कर रही हूँ मुझे पता ही नहीं होता। और इतना इतना ठंडा और इतना प्यारा मौसम माशाल्लाह से हो गया है ना, ये देखो काले बादल अभी भी हैं, अब दोबारा भी होगी, और ये आंधी के हालात हुए हैं। हमारे गार्डन की हालत देखो कि ना बोतलें भी उड़ उड़ के अंदर आई हैं, ये पता नहीं क्या टिश्यू, फूल भी सारे टूट टूट के नीचे गिरे हुए हैं, अच्छे लगे हुए हैं ना ये टूटे हुए, इतने प्यारे लग रहे हैं, इतनी खुशबू प्यारी है ना, ये भी नए नए फूल खिले, देखो इसमें स्ट्रॉबेरियां लगी हुई है। सच में यहाँ पर तो आने के बाद ना मैं पूरी फ्रेश हो जाती हूँ, कहीं और जाती नहीं हूँ, डायरेक्ट मैं अपनी बैल्कनी में ही आती हूँ। इनकी इतनी प्यारी खुशबू होती है ना, स्ट्रॉबेरी एक इतनी मोटी हो गई है, और ये चीज तो मैंने देखी नहीं है इसकी, जब मैंने ये मोतिया लिया था ना तब से मैं सोच रही थी कि इस पे फूल कब निकलेंगे, कभी निकलना इसमें शुरू हो गए, ये देखो कितने सारे मोतिया के फूल निकलना शुरू हो गए हैं, एक साथ निकलेंगे ना छोटे छोटे व्हाइट फूल मोतिया के, तो बहुत ज्यादा प्यारे लगेंगे, जैसे ये देखो ये एक साथ निकले ना तो बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। अरे मुझे डरा दिया है, पीछे मुझे जी जी बोल रहे हैं, एकदम से मुझे डराया है। डर भी हो? हाँ मैं फूलों को देख रही हूँ और पीछे से कह रही हूँ हाँ हाँ बहुत प्यारी खुशबू है। वाले अच्छे हैं ये वाले, ये नहीं सूखे, ये जब से है ना इनमें रोज फूल खिलते हैं, ये देखो ये भी है, ये जो ऊपर वाले लगाए थे ना ये तो बस एक बार ही निकले और फिर सूख गए, नीचे भी आज रोज लगाए, रमजान बता रहा था नीचे रेड रोज है, कुछ इधर भी लगाने हैं ना, ताहिरा सिस्टर ने भेजी थी, मजे की है ना। पे कभी भी गुड़ वाली सेवैया ट्राई नहीं की, नहीं बनाई, अब इस दफा जरूर बनाऊंगी कि ये मुझे इतनी पसंद आई है। 2-3 बाइट यही है बस, फ्रिज से आप निकाल कर मुझे थोड़े से बचा देना, आप खाओ, इतनी नहीं खाऊंगी बस थोड़ी सी खाऊंगी। अच्छे हैं, खा लो। हमारे घर पे बना है आज ये मटन का सालन, इसके साथ यहाँ पर बन रहा है हमारा कावा, और इसके साथ बन रही है यहाँ पर बिरयानी। और माशाल्लाह से इतने सारे फूल लेकर आ गए हो, रात में इतने सारे फ्लावर देख कर आई हूँ, और जैसे दूध में थोड़ा सा जामिश्री डाल दो ये वैसा है, और ये पूरा जामिश्री वाला है, ये थोड़ा ज्यादा जामिश्री डाल दो तो ऐसा हो जाता है। इस पे तो अभी निकलेंगे, ये व्हाइट रोज है, ये भी जब फूल खिलेंगे बहुत प्यारा लगेगा। और देखो एक येलो फ्लावर हो गया, ये तो हमारा रेड रोज है, प्यारे लाए हो अभी तो। देखो ये मेरे गाड़ी के क्या हाल, और देखो मेरे गाड़ी का क्या हाल हो गया बारिश की वजह से, इतना हिस्सा जो है ना ये हमारा गाड़ी का ये बाहर आता है, जिसकी वजह से पानी यहाँ पर टपकता रहता है बारिश का, ये वाली जगह खुली है ना तो यहाँ से पानी आता ही रहता है। हाँ रोज की ना बेल है, ये रोज की बेल होती है, ये वाला रोज लगा है, वहाँ पर भी दो लगे हुए हैं ना, वो भी रोज, इनके भी फिलहाल खुशबू तो नहीं है, तो ये बेल की तरह बहुत सारे फूल लगेंगे, ये देखो ये तो पूरा बंच है इसका, इस तरीके से खिलेंगे, ये बेल भर जाएगी। अच्छा फूलों की ना बेल भी होती है, मुझे आज पता चला है, इसके तो बहुत सारे हैं, ये देखो ये छोटे छोटे बहुत भर जाएंगे, ये ऊपर दरवाजे पे, हाँ छत पर चढ़ जाएगी। सच में? मत बोलो। नहीं नहीं वाकई ये बेल है, लग तो पता तो चल रहा है कि ये बेल है, लेकिन बहुत प्यारी है ये वाली। और माशाल्लाह से मौसम इतना प्यारा है, मैं यही पूछ रही थी जो हमारे घर के पीछे गली में ना अनार के दरख्त हैं, उस पर अनार लगेंगे ऐसा फूल नहीं, नहीं लगेंगे, वो तो बहुत ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि फूल ये ना फूल बहुत लगेंगे, तो फिर पक्का मकान तोड़ने, हम भी यहाँ पर एक सामने लगा लेना, इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। चलो थोड़ा सा चक्कर लगा कर आते हैं, अंदर हमारा कावा बन रहा है, आ जाओ, कितने प्यारे लग रहे हैं येलो दरख्त, सच में वो एक साथ लाइन में है, वो देखो पहले नहीं थे,
इतना भरे हुए हैं। ये वाला बहुत प्यारा है, ये वाला हम ऐसा घर में लगवाएंगे। ये सच है, इसको पास से देखिए, वहाँ से ये देखो, हम ऐसा का ऐसा ट्री लगवाएंगे अपने घर में। प्यारे लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं और खैरियत से हैं। बस आज चौथा दिन हो गया, तीन दिन होती है खत्म हो गए। नए जोड़े पहन के तैयारियां कर, रील्स वीडियो तस्वीरें बहुत बना लिए। अभी हम नॉर्मल अपनी वापस रूटीन में आ गए। हस्बैंड भी ना शाम के टाइम जो है ना मुझे फिर टाइम देते हैं, दिन में जो है ना अपनी दूसरी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनका कुछ लेना करना उनके लिए, और फिर शाम के टाइम पे फिर मुझे कहीं निकलना हो तो मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अंधेरा होने वाला, बारिश होती रही है ना, तो बाहर बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। और मैंने अभी सोच लिया कि मैं ये वाला ट्री ना अपने घर पे पक्का लगवाऊंगी। ये देखो इतना खूबसूरत इसका कलर है ना। एक फूल इसका तोड़ कर देखते हैं। ये पता नहीं क्या, हम रात में निकलते हैं दिखते नहीं है, पूरा दिन तो हम घर होते हैं ना। बारिश में कुछ ज्यादा ही प्यारे लग रहे हैं ये तो। गाइस देखो, ये हमारे सिटी में है, हमारे शहर में, और हमें पता ही नहीं है, इतने ज्यादा देखो लाइन से लगे हुए हैं। ये वाला थोड़ा सा नीचे, ये ट्री, इस ट्री का नाम पूछो ना, ये वाला हम लगाएंगे। सही है, तो बहुत खूबसूरत है। जब तक हमारा घर बनेगा ना, इस तरह का हम ट्री लगवा दें तो काफी बड़ा हो जाएगा। नीचे भी ना ऐसे बारिश की वजह से टूट टूट के काफी गिरे हुए हैं, तो ऊंचा मेरा हाथ इस पे पहुंचेगा नहीं। ऊंचा है बहुत ज्यादा, बहुत ऊंचा है। थोड़ा सा नीचे पकड़ के दिखा दो ये, और ये वाला। एक मिनट, टहनी ना पूरी टूटे ना, बस थोड़ा सा ये तोड़ना है। अपने गमले में लगा देना, शायद रास्ता बन जाए। सच में देखो, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। हाँ, वहाँ पर बहुत प्यारा फूल है। मैं रूम में सजा के रख दूंगी, जब तक सूखता नहीं है घर में देखते रहेंगे इसको। इतना प्यारा है ना, बहुत प्यारा है ये फूल। जब से हम अपने इस नए शहर में शिफ्ट हुए हैं ना, इतना ज्यादा हम इसे घूमे नहीं है, जैसे बहुत ज्यादा यहाँ पर खूबसूरत जगह है। एक वो जगह जो मुस्तफा हमेशा बोलता है, जो मुस्तफा की फेवरेट जगह, एक दफा देख लेते। इसके अलावा ना, जब मुस्तफ़ा के स्कूल के फ्रेंड है ना, जहाँ पर उनका घर है, तो मुस्तफ़ा वहाँ आता जाता रहता है। आज भी वहीं पर ही गया हुआ है, ज़्यादा नहीं, कभी कभी वैसे हम उसे जाने देते हैं, जैसे महीने में एक या दो बार उसको जाने देते हैं। तो वहाँ पे जब से उसने जाना शुरू किया ना, तो कहते हैं मम्मा वो जगह बहुत प्यारी है, हम वहीं पर ही घर लेते हैं, वहीं पर ही अपना घर बनवाएंगे। तो बिल्कुल करीब, एक दफ़ा मैंने कहा चलो मैं भी देख लेती हूँ, बहुत तारीफें करता है उसकी। जब भी ऐसे बारिश होती है ना, तो बारिश में यहाँ के रोड ट्री सब कुछ ऐसा धुल जाता है और प्यारा प्यारा हो जाता है ना। इतना खूबसूरत प्यारा मौसम, ठंडी हवा, प्यारे प्यारे फूल, प्यारे रोड, सब इतना अच्छा हो गया है। इस तरह के जैसे ये फूल है ना, मैंने यही सोचा था, जो मेरा ईद का ड्रेस है ना, इन पिंक फूलों के साथ बनाती ना, लेकिन उस दिन बहुत तेज बारिश हो गई थी। ये ले, दुआ कीजिएगा। यहाँ से तो देखो, यहाँ से ये तो पूरा जंगल ही जंगल है। जब से मैंने ड्राइविंग सीखी है, तब से बोल रही कि मुझे ना उधर जाना है, मरी। यहाँ पर रहता है इसका फ्रेंड, ये गेट है इनका, यहाँ से एंट्री हो रही है। यहाँ पे मुस्तफा का दिल है कि हम इस साइड पर शिफ्ट हों। वाओ, ये रास्ता कितना प्यारा, ऊपर ऊंचाई पे है। मतलब जिस तरीके से हम बोलते थे ना कि ऊंचाई पर घर हो, तो ये सारे ऊंचाई पे बने हुए हैं। ये तो काफी हम ऊपर जा रहे हैं, और कितना ऊपर जाएंगे। अच्छा, ये सोसाइटी बनी हुई है यहाँ पे। यहाँ के घर भी बहुत प्यारे प्यारे बने हुए हैं, और यहाँ के गार्डन तो देखो, इतने प्यारे प्यारे बने हुए हैं गार्डन। ये है हमारे मुस्तफा की फेवरेट जगह, जो रोज मम्मा को बोलता है, मम्मा इसी जगह पर ही हम घर बनवाएंगे। फूलों का शहर है। इस बंगले के आगे देखो कितने ज्यादा फूल इन्होंने लगाए हुए हैं ना, इनको भी फूलों का बहुत ज्यादा शौक है। अभी कुछ ये फ्रूट्स भी लगे हुए हैं साथ साथ, ये वाले देखो, ये वाले फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। कितने मैं फूल देखूंगी अभी। आज ना पूरा दिन मैं इन फूलों को ही देखती रहूंगी, मेरी नजर ही नहीं हट रही, इतने ज्यादा माशाल्लाह से। रोको, एक दफा रोकना। पर हमारे घर पे भी लगा हुआ, ऐसी बात नहीं है, हमारे घर पे भी बहुत सारे अभी फूल हो गए हैं, जैसे पहले तो बिल्कुल नहीं थे, अभी मैंने भी बहुत सारे लगाना शुरू कर दिए। पूरा ना एंड तक है वो, देखो पूरा ये लाइन से एंड तक फूल ही फूल है, पूरा फूलों का शहर है ये। आज मुस्तफा को देखो, छोड़ के गए ना, तो यहाँ पर है, वो खेल रहा है। इधर आओ मुस्तफा, यहाँ पर क्या कर रहा है? घूम रहा है यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ है। उधर पीछे मैं और दोस्त रहते हैं उसके। मैंने कहा रोज मेरा मुस्तफा बोलते है मम्मा ऐसी जगह पर हम घर लेंगे, जाकर देख के आऊँ।
अच्छा मैं तो जा रहा था पीछे, आप लोग अच्छा चलो फिर आपको लेने के लिए आए, हम वैसे घूम रहे हैं, चलो आज लेट लेने आना, आओ बैठो ना बाद में खेल रहे, आ ही नहीं रहा दोस्तों से उसको लगा शायद मुझे लेने के लिए आ गए। इस घर की तरफ देखो ना, सारे एक से एक बहुत ज्यादा प्यारे हैं घर, इतने प्यारे प्यारे घर जो है ना, देख देख के हम आ गए हैं वापस अपने घर। इंशाल्लाह हमारा भी एक दिन बहुत प्यारा घर बन जाएगा। हम अभी घर पर आते ही हमारे नोबिता ने नुकसान कर दिया, जैसे मैंने दरवाजा खोला ना, ये मेरी आंखों के सामने इसने ये वास गिराया, ये बस इतना प्यारा सा वास तोड़ के रख दिया। आयत दिस इज फॉर यू, ये वाइट ट्री से तोड़ कर लाइए मम्मा। हाँ सुनो कावा बना, अच्छा तो आप लोगों के लिए मैंने कावा ये तैयार किया है, अदरक वाला कावा जो आजकल ये बना रहा है ना, इतना मजे का, इलायची पुदीना पता नहीं क्या क्या डालता है। अभी तक ना ये गोश्त बंद कर दो, वास इसने तोड़ दिया ना, इसका खाना बंद करो, अभी तक खाना बंद करती हूँ ठीक है, नुकसान कर रहा है इतना मेरा प्यारा वास तोड़ के रख दिया इस नोबी ने। पागल नोबिता है, फिर इसको डांट पड़ेगी। अभी तो बेबी हमारा बस हर टाइम सोया ही सोया रहता है, बाहर ही नहीं आता, घूमता फिरता भी नहीं है। चलो अभी जो ना वापस जो मेरे पास वो कराची वाला था ना, इसमें मैंने फूल लगा लिया, अभी इसको रखो, नोबिता की तो आज लगेगी क्लास। नोबिता ने इतना नुकसान के इतना प्यारा वास तोड़ दिया, और यहाँ पर बिरयानी साथ में ये रायता बनाया, किस दोनों में से? मैंने बनाया। हाँ तुमने बनाया, ये बोलेगा मैंने बनाया। इतने सारे जो गिफ्ट हैं, ईद से ईद वाले दिन ही मिले, नहीं चांद रात वाले दिन मिले थे, और अभी तक पड़े हुए हैं, तो अभी टाइम है इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मेरे ईद के गिफ्ट है ना, मैं इनको बोल सकती हूँ कि ये मेरे मैके से आए हैं, क्योंकि ये मेरी दोनों बहनों ने मेरे ना मेरे लिए ईदी भेजी है, फायजा सिस्टर ने और ताहिरा सिस्टर ने, हम बोल सकते हैं कि ये मेरे मैके से ईद आई है। अभी मेरा मैका यही बना हुआ, मेरे पास भी यही है, ईद मिलने भी इन्हीं से जाती हूँ, या फिर वो आ जाती हैं या फिर मैं चली जाती हूँ। ताहिरा सिस्टर की सबसे पहले ना ईदी खोलते हैं, इनमें देखो प्यारे 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 से दो सेट है, ये चूड़ियों के इतना प्यारा कलर है इन दोनों का, पिंक और ये व्हाइट, साथ में एक और सेट भी चूड़ियों का ये हो गया है, इतनी प्यारी सी खूबसूरत सी इयररिंग्स, इनका कलर इतना प्यारा है, और ये मेटल की है, वजनी है, और ये हो गई, और ये हो गई खूबसूरत सी इयररिंग साथ में, बाकी इसके साथ ये बच्चों की इस तरीके की ये क्लिप हो गई छोटी, ये है किसका सूट है, ये है आयत का, इस सूट का कलर कितना प्यारा है ना, और ये हो गया आयत का प्यारा सा ईद का सूट, बहुत प्यारा, और अब है ये इसमें तैयबा का, और तैयबा की जो है ना इस तरह से प्यारी सी फ्रॉक है, साथ में ये इसका ट्राउजर हो गया, इसका भी कलर बहुत ज्यादा प्यारा है। अवा ये हो गया मुस्तफा साजिद, तो ये मुस्तफा की इसमें ईदी आई है। ये हो गया इसमें प्यारा सा बैग हो गया, हाँ इस तरह के बैग वैसे भी मैं पहनती हूँ, इसको मैं जरूर अब उठाऊंगी। इसमें है सन्ना सफीना का सूट, ये इसके साथ का ट्राउजर हो गया, बाकी ये सारा इसका पट्टियां वट्टियां हैं जिसके डिजाइन होगा इसके साथ, तो इसको जो है ना मैं ऐसे साथ रखती हूँ, और ऐसे ही टेलर से स्टिच कराएंगे। प्यारी प्यारी सी इसमें ये पिन्स है, कितना प्यारा कलर है ना इसका, पिंक हल्का पिंक कलर है, पर्पल पिंक के सारा है का गला हो गया, बाकी ये इसके साथ की शर्ट है, इसके साथ प्यारा सा दुपट्टा हो गया, बाकी ये ट्राउजर हो गया। इसमें ये सारी तैयबा की प्यारी प्यारी सी चीजें है, इतनी सारी पोनिया है, ये देखो इतनी सारी ये तैयबा की पोनिया है, तैयबा भी फिलहाल बाहर गई हुई है, और ये इसमें छोटी छोटी सी इतनी सारी ये रिंग्स है, बैंगल्स है इतनी सारी, साथ में एक और भी है ये देखो, और साथ में ये इनका लॉलीपॉप भी है, ऐसे लेस चिप्स ऐसे कुछ रखा हुआ था, जो कि इन्होंने बच्चों ने ना साइड उनसे सबर नहीं हो रहा था, और साइड से ना वो निकाल के खा लिया था ईद वाले दिन, और ये बैंगल्स हो गई, बाकी तैयबा साजिद ये तैयबा की अलग से ईदी हो गई, और ये भी तैयबा की चीजें हैं, ये सारी इतने सारे क्लिप ईद हो गई, इतनी सारी प्यारी प्यारी चीजें आई हैं। हाँ ये देखो ये लेस पड़ा है, ऐसे और भी थे ना ऊपर से, एक एक और भी रखा था, वो इन्होंने पहले उठा के खा लिया। इसमें ये देखो छोटे छोटे क्लिप हो गए, और इतना प्यारा सा देखो ब्रेसलेट हो गया, बहुत प्यारा है ये। चलो वापस इसमें ये मैं तैयबा की चीजें रख देती हूँ। इस थैले में इतना सारी पोनियाँ भेजी हैं, ये सारी पोनियाँ ही पोनियाँ, ये देखो बस पूरा साल जो है ना तैयबा ये पोनी इस्तेमाल करती रही। और अभी ये जो दूसरी बास्केट है ये आयत की है, इसमें भी ऊपर ऊपर से चिप्स था, कुछ बिस्किट पता नहीं क्या क्या रखा था, वो चीज खाने वाली बच्चों ने निकाल के ना ईद वाले दिन ही खा ली है। लॉलीपॉप हो गया, कोई रिंग्स होगी, सेम सारा कुछ एक जैसा लिए, ताकि जो है ना पता है कि आए तैयबा एक दूसरे के साथ लड़ाई ना करें, सारी एक चीज एक जैसी चीजें। इसकी बस छोटे छोटे से क्लिप में क्यूट से हैं ये वाले,
और इतने सारे देखो रबड़ बैंड इसमें। ये तो तैयबा बनाती है, ब्रेसलेट बनाने वाला है ये तैयबा को मैं दूंगी। और बाकी ये हो गए प्यारे प्यारे से क्लिप बनी वाला, ये कितना क्यूट है। की दी नहीं है ये, रखो ये उसकी है आयत की है, वो रही आपकी, जो आपकी आप वही खोलो। ये हो गई आयत की चूड़ियां, हो गई आयत की तो चूड़िया। तायरा खाला ने मुझे दिया 5000 और इसके लिए थैंक यू टू तायरा खाला। अभी बारी है फाइजा सिस्टर की ईदी खोलने की। तो सबसे पहले तो दो चूड़ियों के सेट पड़े हैं, एक लाल और एक काला। और ये है किसका सूट, आयत तैयबा का होगा जी। आयत के आयत का और इसका गला कितना प्यारा बना हुआ, ये हो गया और ये ट्राउजर हो गया। ये आपकी शर्ट है मुस्तफा, रखो अपने ऊपर, पूरी है ना पूरी। आयत की, आयत की साइज समर के लिहाज से बहुत प्यारा है इसका, बहुत ये वाली। और ये भी आयत की शर्ट हो गई। आयत को ये वाली शर्ट बहुत पसंद आएगी, हमेशा उसको बारबी बनना होता है, पिंक कलर की शर्ट चाहिए। उसमें ये प्यारा सा था देखो मुस्तफा, आयत का, आयत की फ्रॉक तो देखो इतनी प्यारी प्यारी क्यूट सी छोटी छोटी फ्रॉक है। और इसमें तो देखो इतनी सारे एनवलप, तो देखो किस किस का, अभी देखते हैं। मुस्तफा का भी नाम है क्या इसमें, देख रहा है। ये तैयबा की दी है और ये आई आयत हो गई। क्या आपका नाम है भी सही या नहीं मुस्तफा का, ये आपकी दी है। के दिन में तो मुस्तफा ने बहुत सारी ईदियां जमा कर ली। अरे वाह इतनी सारी ईदियां मुस्तफा, कुछ ही मिनट में आपने 10,000 कमा लिए जी। तो बाकी इसके अलावा ये एक मेहंदी की कौन हो गई, ऐसा कलर है सूट का और ये है खादी से लिया है। ये रहा इसका डिजाइन, इस तरीके से ये बनेगा। और इसके साथ ये भी लगेंगे बीच में ना, ये भी लगेंगे गले में, इस तरीके से बटन है इसके साथ। हाँ ये भी तैयबायत का है। इसकी पैकिंग देखो इतनी प्यारी हुई है, बहुत सारे जमा हो गए हैं। ये बैंगल्स हो गई, इसमें ये लॉलीपॉप भी है और ये क्लिप हो गए, ये हो गया और ये चूड़ियां हो गई आयत की, प्यारा सा इसमें ये नेकलेस भी है। और ये वाली बास्केट है तैयबा की, इसमें भी ये चिप्स है, चिप्स हो गया और साथ में वही सेम इसमें भी वही क्लिप है। और इसके अलावा और ये नेकलेस हो गए, दो चूड़ियों के सेट और ये थैला भरा हुआ बोनियों का, वो प्रमोशन का, उसकी अभी अनबॉक्सिंग करनी है। अभी तो तैयबा आयत दोनों बाहर गई हुई है, इतना खुश होंगी ना अपनी सारी ये चीजें आके जब देखेंगी। के अलावा एड में रह गई ये सारी ईदी, तो देखो इतनी सारी बच्चों की ईदियां भेजी हैं ताहिरा सिस्टर और फायजा सिस्टर ने, तो इतनी इतना सारा कुछ ये भी भेजा था ये देखो सारा, मैं खोल कर बैठी और इतने सारे अलग से ईदी भी भेज। बाकी इसके अलावा ये था हमारा आज दूसरे दिन का व्लॉग, मतलब कल से मैंने शुरू किया, दूसरा दिन हो गया इस व्लॉग को, अब इधर ही एंड करती हूँ। ये थी आज मेरे, ये थी हमारी ईदी जो कि ताहिरा सिस्टर और फायजा सिस्टर की तरफ से आई है। थैंक यू सो मच आप दोनों बहनों का, आप दोनों ने मुझे बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत मेरे बच्चों की ईद भेजी है। और मैं इसीलिए ही बोलती हूँ कि ये मेरा मैका है, क्योंकि ताहिरा सिस्टर जो है ना एक बहन की तरह, एक माँ की तरह मेरा हर एक चीज का ध्यान रखती हैं, ख्याल रखती हैं। जैसे हम इस नए शहर में आए हैं ना, इन दोनों के अलावा हम किसी को जानते भी नहीं थे जब हम इस सिटी में आए थे, तो यही है मेरे अपने, इसी वजह से ईद भी इन्हीं के पास मिलने जाती हूँ, आना जाना इन्हीं के साथ ही मेरा ज्यादा होता है। तो बस बहुत प्यार से बहुत दिल से भेजी है बहुत सारी और बहुत ढेर सारी ईदी भेजी है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों बहनों का। यही था हमारा आज का व्लॉग, इस व्लॉग को करती हूँ इधर एंड। अभी दूसरा व्लॉग मैंने शुरू करना है, क्योंकि एक व्लॉग जो है ना एक ही व्लॉग नहीं बन पा रहा कल से, उसको एंड करती हूँ अभी। तो चलो कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।